हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी झींगा मच्छी कैसे बनाया जाता है झटपट घर पे, और इसका जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो भी वीडियो मैंने शेयर किया। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम झींगा मच्छी लिया, जिसे बंगाली में कुचो चिंगड़ी बोलते हैं, जो छोटा वाला मिलता है वो। तो इसमें मैंने 250 ग्राम झींगा मच्छी को क्लीन करके ले लिया। इसके साथ ही एक प्याज को चॉप करके ले लिया, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा चिल्ली। मैंने यहाँ पे 3 हरे मिर्च को चॉप करके ले लिया, आपको जितना तीखा पसंद है उतना ले सकते हैं। करी पत्ता को चॉप करके यहाँ पे डाल दिया, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, और जम के इसमें डालना है सरसों का तेल। और अभी इसमें जाएगा दही, जो फीका दही आता है वो दही मैंने यहाँ पे 1 कटोरी यूज़ किया, छोटा कटोरी का 1 कटोरी। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारे मसाला एक दूसरे के साथ अच्छे से कोट हो जाए। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अभी चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की ओर। यहाँ पे एक पैन ले लिया, थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद उसमें डाला थोड़ा सा सरसों का तेल। इस रेसिपी के लिए सरसों का तेल ही यूज़ करना है, आप जो भी सरसों का तेल यूज़ करते हैं उसे ले लीजिए। तेल थोड़ा गर्म हो जाने के बाद जो झींगा मच्छी का मिक्सचर हमने रेडी करके रखे हैं उसको डाल दीजिए। अभी थोड़े देर के लिए इसे ऐसे ही हिलाते जाइए, जब तक इसमें से थोड़ा पानी ना निकल आए तब तक इसको ऐसे भूनते जाइए। थोड़े ही देर में यहाँ से पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े पानी यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे पानी छोड़ चुका है। अभी इसको थोड़े देर के लिए 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको ढक के रख देना है, ताकि जो इसका पानी है इससे आपका मच्छी और जो मसाला है वो अच्छे बॉयल हो जाए। आपको बीच में देखना भी पड़ेगा कि इसका पानी ख़त्म ना हो जाए, तो वो नीचे जल भी सकता है। तो 5 मिनट बाद मैंने इसको निकाल के देखा, पानी अभी भी काफ़ी है, तो और भी 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया। अभी 5 मिनट हो जाने के बाद आप देखिए पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है, और जो मेरा मसाला है वो भी अच्छे से स्टीम हो चुका है। अगर आपको लगे कि इसमें पानी रह गया है तो फिर से आप इसको ढक दे, जब तक इसका पानी ख़त्म ना हो जाए। बीच बीच में इसको उठा के चेक कर लीजिए, ताकि पानी एकदम से सूख ना जाए। डिश यहाँ पे रेडी हो चुका है, पूरा पानी सूख चुका है, इसमें और कुछ करने का नहीं है। अभी जस्ट इसको निकाल के आप सर्व कर सकते हैं हॉट राइस के साथ। दोस्तों ये बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत यम्मी रेसिपी है, आप ज़रूर अपने किचन में ट्राई करें। और जो क्लीनिंग का प्रोसेस है झींगा मच्छी का, इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है, आप इसे देख सकते हैं। रेसिपी को गार्निश करने के लिए मैंने थोड़ा सा बेरिस्ता इसके ऊपर छिड़क दिया, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ऐसे ही बहुत यम्मी है। दोस्तों अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आए, तो ज़रूर अपने किचन में बनाइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।